राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में मोदी सरकार अब झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाना चाहती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए अपनी दावेदारी फिलहाल तय नहीं कर पाई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पर फिर से केस चलाने का फरमान सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ जहां बीजेपी को झटका लगा है, तो वहीं आडवाणी और जोशी के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में अब विपक्ष को डर सता रहा है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति पद के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को ना उतार दे जिसका विरोध करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इन सब के बीच झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ रहा है। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी सरकार द्रौपदी मुर्मू पर दाव लगा सकती है। राष्ट्रपति पद के 5 उम्मीदवारों में द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे है। द्रौपदी मुर्मू का पार्षद से लेकर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने तक का सफर देश भर की सभी आदिवासी महिलाओं के लिए एक आदर्श है। महिला आदिवासी और साफ सुथरी राजनीतिक छवि होने की वजह से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। अगर बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाती है तो ऐसे में मोदी सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हासिल हो जाएगा और इसके साथ ही देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल जाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।